चलिए इसके साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर, भतीजे का हाथ थामते ही शिवपाल पर सीबीआई जांच। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भतीजे का हाथ थामते ही शिवपाल पर सीबीआई जांच। सीबीआई ने सरकार से शिवपाल पर मंजूरी मांगी। गोमती रिवर फ्रंट मामले से जुड़ी बड़ी खबर, शिवपाल यादव समेत दो अफसरों की पड़ताल। शिवपाल यादव अफसरों की भूमिका की पड़ताल। सीबीआई ने जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी। भूमिका मिलने पर मिलेगी पूछताछ की अनुमति। तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां भतीजे का हाथ थामते ही शिवपाल पर सीबीआई। जी हां, सीबीआई ने सरकार से शिवपाल पर मंजूरी मांगी। शिवपाल यादव समेत दो अफसरों पर पड़ताल। शिवपाल यादव अफसरों की भूमिका पड़ताल। सीबीआई ने जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी। भूमिका मिलने पर मिलेगी पूछताछ की अनुमति। तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव। इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, शिवपाल यादव समेत दो अफसरों की पड़ताल है और बताया जा रहा है कि भतीजे का हाथ थामते ही जो है शिवपाल पर सीबीआई का साया मंडरा है। क्या कुछ है पूरी, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बताएं, भतीजे का हाथ थामते ही शिवपाल यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिख रही। जहां एक दिन पहले जो है शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में कमी की गई, तो वहीं आज सीबीआई ने जो है शिवपाल सिंह यादव की जांच की मंजूरी मांगी है। आपको बता दें, रिवर फ्रंट का जो मामला है उसके तहत सीबीआई ने उस पूरे मामले की जांच करने के लिए सरकार से आदेश मांगे हैं। आपको बताएं, तत्कालीन जो है सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव, उस समय रिवर फ्रंट मामले में जो है सीबीआई उसकी जांच करने के लिए इजाजत मांग रही है। इसके साथ ही आपको बताएं तो दो अफसरों पर भी काज कितनी तय है, क्योंकि अगर जांच होती है तो उसमें संदिग्ध दायरे में तमाम जो अफसर हैं उनमें जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें दो लोगों के नाम संदिग्ध है। तो आपको बताएं कि शिवपाल सिंह यादव की जो जो है इस कह लीजिए कि चाचा भतीजे की जो जोड़ी है, आपने देखा होगा मैनपुरी में उपचुनाव है, उसको लेकर यहाँ पर कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और चुनाव प्रचार मैदान में है। तो ऐसे में इस तरीके से सीबीआई से जांच की, जिस तरीके से सरकार से अनुमति मांगी, तो अगर अनुमति मिलती है तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव की जो परेशानियां है वो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल विनाश, आप क्योंकि शिवपाल की नजर, माफ कीजिएगा, सीबीआई की नजर इन पर पड़ गई है, तो अब आने वाले समय में अगर सीबीआई को मंजूरी मिल जाती है तो बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है जिसमें शिवपाल यादव सहित दो अफसरों पर जांच होनी है, जिसको लेकर सीबीआई ने सरकार से अनुमति मांगी है। अगर बताए तो इससे पहले अगर भतीजे का हाथ थामने पर कह लीजिए कि शिवपाल सिंह यादव को जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, तो अगर जांच होता है ये पूरे उस मामले पर कहीं ना कहीं कई जो है अफसर बेनकाब होंगे। साथ साथ अगर बात करें शिवपाल सिंह यादव की, तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है इस पूरे मामले में। चलिए, तो लिहाजा अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस पर गाज गिरती है और क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको लखनऊ से बताई, जहां भतीजे का हाथ थामते ही शिवपाल पर सीबीआई और जांच के लिए सीबीआई ने मंजूरी मांगी है। बड़े आरोप लगे हैं उन पर।